कलाकार शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, कलाकार शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, यानी कि कलाकार शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, 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 कलाकार शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल। मानते हैं रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन चाबी तो आपके पास है। किसी भी लैंग्वेज में आप अपने शॉर्ट फिल्म को बना करके प्रेजेंट करिए, स्क्रिप्ट्स और अच्छी स्टोरीज लिखिए, अच्छे से शूट करके भेजिए। ये परीक्षा का वो दौर है जिसमें हमें पता चलेगा कि वो प्रतिभावान लोग, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, गीतकार, कैमरामैन क्या कुछ कर सकते हैं। क्रिएटिविटी में लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप किसी भी लैंग्वेज में शूट करके हमें भेज सकते हैं या फिर नो लैंग्वेज में भी भेज सकते हैं। अपने टैलेंट और क्रिएटिविटी को बाहर निकालिए और इसे बनाए अपने बंद दरवाजे की चाबी, जिसे जानेगा सारा हिंदुस्तान और सराहेगा आपकी शॉर्ट फिल्म को। जिसमें होगा अच्छी फिल्म बनाने का हुनर, वही होगा इस कंपटीशन का विनर। तो मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने अपनी शॉर्ट फिल्में बनाई हैं, वो जरूर इस फेस्टिवल में भेजें। बहुत बेसब्री से आप लोगों का वेट हो रहा है, जितनी जल्दी हो सकता है सबमिट कीजिए। अरे भैया, शॉर्ट फिल्म को दूर तक पहुंचाना है ना, अभी से अभी फिल्म सबमिट कीजिए और अवार्ड पाइए, रिवॉर्ड पाइए, भक्त जनों भावनाओं को सब। ऑर्गेनाइज्ड बाय रेड एसिड फिल्म्स, रेड एसिड फिल्म्स, रेड एसिड फिल्म, 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 रेड एसिड फिल्म्स, रेड एसिड फिल्म। लैंग्वेज कोई भी हो, हम चुनेंगे उसमें से विनर। तो शुरू हो जाइए, अपनी कला का प्रदर्शन कीजिए, क्या पता आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज के हकदार बन जाए। और जो विनर है डेफिनेटली उसको मौका दिया जाएगा। शॉर्ट फिल्म की ड्यूरेशन कम से कम 3 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट तक की होनी चाहिए। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, खोइएगा मत। अपने टैलेंट को दुनिया के सामने दिखाने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। तो जल्द से जल्द अपनी शॉर्ट फिल्म बताई हुई वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए और इसकी सबमिशन की लास्ट डेट है 15 सितंबर। आपने अपनी फिल्म सबमिट की कि नहीं, बड़ा सुनहरा मौका है आप लोग के लिए। अपने क्रिएटिविटी और टैलेंट को आप पूरे हिंदुस्तान तक पहुँचा सकते हो। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है मेरा भाई जो है अजहर, ही इज द क्रिएटर ऑफ दिस। अजहर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।